नमस्कार प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 10 दिन के लॉकडाउन के बाद आज राजधानी भोपाल में बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। मंगलवार सुबह 111 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राजधानी में संक्रमित मरीजों की संख्या 7327 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 4279 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से एक दिन पहले मंगलवार सुबह 11 बजे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कमलनाथ का कहना है कि वह सभी की उन्नति और खुशहाली के लिए यह पाठ कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ सुंदरकांड करवा रहे हैं और दिग्विजय सिंह लंका कांड में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक कार्य या हवन होते हैं तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधाएं डालती हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमित होने के बाद भी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बंगला सील नहीं करने के विरोध में एक युवक ने प्रभारी सीएमएचओ के ऑफिस में रविवार रात को जमकर हंगामा किया। बलजीत सिंह नामक यह युवक खुद को पूर्व सांसद का बेटा और यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी बता रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने पर कटाक्ष करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन तक बंद रहेगा क्योंकि मैनेजर कोरोना वायरस संक्रमित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का एजेंडा सभी मंत्रियों के निवास पर भिजवाया जा चुका है। सभी मंत्री और मुख्यमंत्री इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने पर विचार किया जाएगा। भोपाल के बिलखिरिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने मासूम के साथ ज्यादती कर दी। आरोपी मासूम का सगा मौसा है। पुलिस के अनुसार बच्ची खेलते हुए आरोपी के घर पहुंची थी जहां आरोपी ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म करने लगा। बच्ची के चिल्लाने पर जब परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल के अवधपुरी में एक 40 वर्षीय महिला ने भेल के टेक्नीशियन इश्तियाक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति के गुजर जाने के बाद 2011 में उसकी पहचान इश्तियाक महमद से हुई थी। इश्तियाक ने उसे भेल स्थित क्वार्टर में रुकवा दिया और इस दौरान महिला का लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में जब महिला ने शादी के लिए कहा तो आरोपी मुकर गया। भोपाल के तलैया इलाके में 10 वर्ष की बच्ची के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची स्कूल की छात्रा है। रविवार रात 10 बजे वह घर के सामने खड़ी थी। इसी दौरान चिमन नाम युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां की रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। शामला हिल्स पुलिस ने फर्जी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में उसे रिमांड पर लिया था। आरोपी की दोनों पत्नियों और बेटे शहनवाज के नाम से 3 फ्लैट लिए गए थे। पुलिस को प्यारे मियां की पत्नी और अन्य आरोपियों की तलाश भी है। हमीरिया अस्पताल के कोरोना वायरस वार्ड में भर्ती हत्या का आरोपी बाबू सिंह लोधी हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार हो गया है। उसकी निगरानी के लिए 3 सिपाही और 2 जेल प्रभारी तैनात किए गए थे। कोरोना पॉजिटिव अपराधी के फरार होने से संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। बाबू सिंह लोधी को पुलिस ने 20 जुलाई को रायसेन के बेगमगंज से हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उसने 17 से 18 जुलाई की दरमियानी रात गांव के ही किसान दशरथ सिंह लोधी की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी थी। भोपाल की पंचवटी कॉलोनी फेज 3 में 200 लोगों से 20 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ सोमवार को भी 3 केस दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार कोहेफिजा थाने में ही उसके खिलाफ अब तक 29 FIR दर्ज हो चुकी है। इनमें रमाकांत पर 62 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस को उसकी पत्नी अर्चना विजयवर्गीय की तलाश है। उज्जैन में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी ने कोर्ट के आदेश पर महिला के घर जाकर न केवल राखी बनवाई बल्कि उसे विदाई में 11,000 रुपए और उसके बेटे को 5,000 रुपए मिठाई और कपड़ों के लिए दिए। आरोपी विक्रम बागरी पर बीते अप्रैल में पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप दर्ज कराया था। आरोपी को कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह महिला के घर जाकर राखी बंधवाएगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े ऑपरेटर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 से 12 अगस्त तक देश व प्रदेश में एक साथ हड़ताल करेंगे। भाड़े और किराए में वृद्धि सहित अनेक मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। प्रदेश के व्यावसायिक शहर इंदौर में लेफ्ट राइट की दुकान खोलने का आदेश वापस ले लिया गया है। अब सभी बाजार पूरी तरह से खुलेंगे। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में प्रशासन को भीड़ नियंत्रण के उपाय करने का भी कहा गया है। संक्रमण बेकाबू होने की स्थिति में प्रशासन फिर से बंदी का फैसला ले सकता है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन सख्ती बरकरार है। अब बाजार रात को 8 बजे तक ही खुल पाएंगे। निजी कार्यालयों में कोरोना संक्रमित मिलने की स्थिति में उन्हें 5 दिन तक बंद रखा जाएगा। नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है, वहीं कंटेनमेंट क्षेत्र भी सील रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस 27 विधानसभा सीटों पर अपने नेताओं के लिए एडवाइजरी जारी करेगी। इन सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस की एडवाइजरी में नेताओं से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग करने और बड़ी सभा से परहेज करने को कहा गया है। सोमवार को रक्षाबंधन के दिन भोपाल में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गईं। शहर में अनेक इलाकों में वाहनों की कतार देखी गई। 8 इलाकों में 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। कई जगह पुलिस की लोगों से झड़प भी हुई। पॉलिटेक्निक चौराहे पर विवाद के बाद एक व्यक्ति पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। जुलाई माह में मध्य प्रदेश में 17,509 नए कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमण की दर भी 2% ज्यादा हो गई। अप्रैल से जून तक संक्रमण की दर 4.4% से लेकर 6.4% थी, जो बढ़कर 8.8 हो गई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित 10 जिलों में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है। प्रदेश में 65% संक्रमित सिर्फ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बड़वानी में मिले हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 750 नए मामले सामने आने के साथ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 34,285 हो गई है। इनमें से 200 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24,099 ठीक हो चुके हैं। ग्वालियर में एक दिन में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।